बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जितना बात होता है वो कम है। ये इतना तारीखी और इनकलाबी प्रोग्राम है कि पूरा दुनिया मानती है, पूरा दुनिया मानती है कि सदर जरदारी की हुकूमत ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मंशूर मुकम्मल कर दिया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया को हकीकत में तब्दील करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम ने आके एक इनकलाब शुरू किया है पाकिस्तान। पहली दफा आपका सबसे पहले जो सोशल सेफ्टी नेट है, जो इस मुल्क के गरीब से गरीब तक औरतों को वो माली मदद देती है ताकि उनको वो थोड़ा सा मुआशी हकूक का उनका तहफ्फुज मिले कि जब महंगाई बढ़ रही है, जब महंगाई बढ़ रही है तो रियासत की तरफ से कोई मदद इस मुल्क की औरतों को मिल सके। और जो मुआशी इनकलाब उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने शुरू किया है वो आप सबके सामने है। इस मुल्क की औरतों को अपने ठाव पे करा दिया था, इस मुल्क की औरतों को वो ताकत दिया था कि पैसा का जिम्मेदारी उनके पास था, उनको वो पूरा घर को चला सकते थे, उनके बच्चों को हिफाजत दिला सकते थे। मदद है तालीम करवाने में, मदद है सेहत का इलाज में करवाने में। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये इनकलाबी मंसूबा, पूरा दुनिया मानती है, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सोच है, हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे भी रखा। तो ये दो वजह से बर्दाश्त नहीं होता। एक वजह ये है कि पाकिस्तान की बाकी जमातें तो चाहते ही नहीं है इस मुल्क का पैसा, आपका पैसा इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों पे खर्च हो। तो इस वजह से शुरू दिन से इसके खिलाफ साजिशें शुरू हुई कि आप इस प्रोग्राम का, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का किरदार कशी शुरू हुई। लेकिन ये इतना शानदार प्रोग्राम था, पूरा दुनिया में इतना उसका ट्रांसपेरेंसी था, इतना उसका रीच था कि बाकी ममालिक इसको कॉपी करना शुरू कर दिए। इजिप्ट में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मॉडल बना के वो अपने खवातीन के लिए इस किस्म का प्रोग्राम लेकर आ रहे थे। आलमी इदारे भी कहते थे मियां साहब को, इमरान खान साहब को, कि अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तो नाकाफी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो आपके मुल्क के गरीब तरीन औरतों को वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकता है जो IMF तो नहीं दिलवा सकता, जो आप नहीं दिलवा सकता। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद मियां साहब की हुकूमत हो तो फिर इमरान खान साहब का हुकूमत हो, किसी ने ये नहीं सोचा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कमजोर करने के बजाय, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी शहीद का नाम मिटाने के बजाय हम अपना मंसूबे लेकर आए, हम अपना नून लीग की इनकलाबी औरतों के हकूक के लिए मंसूबा लेकर आए, या PTI के लिए, PTI एक इनकलाबी नया प्रोग्राम लेकर आए। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। अगर उन्होंने सोचा तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी शहीद बीबी का नाम कैसे हटाना है। और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास बहुत से प्रोग्राम्स थे। हमने शुरू किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से शुरू हुआ था प्रोग्राम, वसीलाए रोजगार के प्रोग्राम, वसीलाए तालीम के प्रोग्राम। और नून लीग या इमरान खान साहब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस शानदार प्रोग्राम में, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? नून लीग ने वसीलाए सेहत को वजीर आजम हेल्थ कार्ड बना दिया, इमरान खान ने वसीलाए सेहत को वजीर आजम का हेल्थ कार्ड को एहसास कार्ड बना दिया। उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था जिससे आज तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिलता है। अगर इमरान खान ने कुछ किया है
तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस साहब का नाम दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लाखों खवातीन को निकाल दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लाखों खवातीन को हटा के इस मुआशी सूरत हाल में इस मुल्क के खातून, इस मुल्क के औरतों के साथ, गरीब तरीन औरतों के साथ, ये एक किस्म का मुआशी कत्ल है। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने आपका मंसूबे को, आपके मंसूबे को औरते हकूक पे हमले किए हैं। सूबाई सतह पे इन प्रोग्राम्स को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। अगर कहीं काम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा गुरबत का मुकाबला करने के लिए, गुरबत बताने के लिए अगर कई काम खवातीन के लिए हो रहा है, तो सूबा सिंध में ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है जो वफाकी प्रोग्राम है, मगर पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन के नाम से SRSO जैसे अदारे के साथ मिलकर सिंध हुकूमत 2009 से लेकर आज तक सिंध के रूरल देहात में रहने वाले गरीब खवातीन को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ट्रेनिंग रोजगार के लिए ट्रेनिंग भी प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूंगा कि सिंध में रहने वाले कितने खवातीन आज सिंध का सूबाई गुरबत का मुकाबले करना प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं। 1.5 मिलियन वेमेन, 15 लाख वेमेन को हाउस होल्ड में हमने सिंध भर में 1.5 मिलियन वेमेन, 15 लाख वेमेन, 15 लाख औरतें इस प्रोग्राम से फायदा ले रहे हैं। ऑर्गेनाइज हो रही है, 4 लाख औरतें को हमने डायरेक्टली बिला सूद कर्जा दिए हैं ताकि वो अपना कारोबार पे काम कर सकते, अपना छोटा अगर दुकान खोलना चाहे तो दुकान खोल सके, अगर अगर जो भी उनका सेल्फ हेल्प है, एंटरप्रेन्योरशिप है, हुकूमत की तरफ से ये मदद मिल रहा है। और आज से नहीं, 2009 से हो रहा है, इसलिए आज तक 1.5 वेमेन को ये फायदा मिल रहा है। ये मंसूबा को इंशाल्लाह ताला अगर आप हमें साथ देते हैं, हमें मदद करते हैं, तो हम इस मंसूबा को पूरा पाकिस्तान में फैलाएंगे।